हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस महीने लगभग 5% डाउन, लगभग 800 पॉइंट के लॉस के साथ हम देख रहे हैं निफ्टी को ट्रेड करते हुए। नीचे के लेवल से हम अच्छे खासे रिकवर हो चुके हैं, मगर फिर भी हम एक मेजर ब्रेकडाउन की शुरुआत देख रहे हैं ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। लास्ट मंथ हमने 2% का लॉस देखा था, लगभग 350 पॉइंट लॉस के साथ निफ्टी बंद हुआ था। इस महीने हम लगभग 800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म करेक्शन की शुरुआत है। और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म करेक्शन शायद 13,500 की तरफ जा सकता है। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे देखते हैं अभी। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक हमने लगभग 3% का गेन देखा था, और इस वीक जो है तो हम फ्लैट पॉजिटिव बंद हुए लगभग 0.5% के साथ, 73 पॉइंट गेन के साथ। तो यहाँ ऑलरेडी दिक्कत हो रही है निफ्टी को। ऊपर के लेवल पे जैसे ही निफ्टी जाता है, वह आपको फिर से एक अच्छा खासा सप्लाई आते हुए देखेंगे। तो यहाँ निफ्टी जो है तो जा सकता है 16,600 से लेकर 700 के लेवल की तरफ, और वहाँ से आपको फिर से जो है तो एक अच्छी खासी वीक वाली देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे 13,500 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। यह वीकली चार्ट पे 13,700 का लेवल दिख रहा है मुझे, जो मेजर 200 वीक का एवरेज है। और यहाँ जो है तो 16,615 ये जो है तो 50 वीक का एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो उसके अराउंड आपको एक अच्छी खासी सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो आपको जो है तो एक कम से कम 1 से 2 महीने के हिसाब से आप एक स्विंग शॉट बना सकते हो निफ्टी पे, जिसका टारगेट रहेगा 13,500 से लेकर 13,700 के बीच में। अगर 16,615 के ऊपर या फिर 700 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है और उसके ऊपर 1 से 2 वीक हम सस्टेन करते हैं, तो रिवर्सल के चांसेस है निफ्टी के। उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो है तो हम एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में या फिर करेक्टिव ट्रेंड में जा रहे हैं, और ये जो है तो ये मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ही खत्म होगा। तो यहाँ 13,500 का लेवल मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म में निफ्टी दिखा सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 50 और 200 डेज का एवरेज तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा। हम ओवरसोल्ड रीजन पे अभी यहाँ जो है तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और फिर से जो है तो एक बाउंस बैक आ रहा है जो लेकर जा सकता है निफ्टी को 16,600 से लेकर 16,750 के लेवल की तरफ। वहाँ फिर से आपको बिक वाली देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि रिजेक्शन आएगा 16,770 के अराउंड, जो है उसका 200 डेज एवरेज। तो उसके अराउंड अगर निफ्टी आता है तो एक परफेक्ट शॉट बनेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और आपका जो टारगेट रहेगा उस टाइम मुझे लगता है कि एक फ्रेश लो देखने को मिलेगा आपको, जो रहेगा 15,700 के नीचे। तो एक अच्छी खासी 1,000 to 1,200 पॉइंट की रैली आपको वहाँ से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, आपका टारगेट रहेगा 15,700 से लेकर, और उसके नीचे फिर से आपको एक फ्रेश लो देखने को मिल सकता है। यहाँ जो है तो करंटली एक बाउंस बैक मोड में है, मगर यहाँ भी बहुत दिक्कत रहेगी निफ्टी को ऊपर जाने में, क्योंकि हर एक लेवल पे एक अच्छा खासा सप्लाई आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही धीरे धीरे और स्लोली रिकवरी होगी, और जो रिकवरी आएगी उसका टारगेट रहेगा 16,670 मैक्सिमम, ये टारगेट रहेगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीक के लिए लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ नीचे जो है तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,100, तो 16,100 का स्टॉप लॉस है। जो भी लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 16,100, और उसके बाद आपके जो टारगेट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेंगे 16,700 और 16,770। तो ये दो टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो निफ्टी में, मगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 16,100 का, 16,100 का। और ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, तो इसके फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। और ये भी जो ट्रेड है ये मोस्टली आपको इंट्राडे में कैरी करना है, पोजिशनल नहीं, क्योंकि आपको कभी भी न्यूज़ फ्लो के वजह से मार्केट जो है तो गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, और जो भी लॉन्ग होंगे उनको जो है तो एक ही झटके में पूरा वाइप आउट कर देगा मार्केट। क्योंकि यहाँ हम जो है अगर लॉन्ग पोजिशन लेते हो तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, यहाँ आपको डाउन ट्रेंड स्ट्रांग दिखाई देगा, और जो रिकवरी रैलीज रहेगी वो बहुत ही वीक या फिर वो जल्दी से फिजल आउट होने वाली आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ मोस्टली मेरा बेरिश व्यू है, मगर आपको सेल करना है, रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, और रेजिस्टेंस है 16,600 से लेकर 16,770।
उसके राउंड आता है तो निफ्टी में एक परफेक्ट शॉट बनेगा, जिसका टारगेट रहेगा कम से कम 2 से 3 महीने के हिसाब से 15,700 या फिर उसके नीचे 13,500 के भी टारगेट आपको आने वाले 3 से 4 महीने में शायद निफ्टी दिखा सकता है, अगर हम 16,700 के नीचे ही बनी रहते हैं तो डेली चार्ट पे यहाँ अभी रिकवरी रैली चालू है तो रिकवरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई विल मोस्टली प्रीफर इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन, आई विल नॉट कैरी एनी पोजिशनल लॉन्ग। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,100 का जो कॉल ऑप्शन है, 16,100 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कर सकते हो। ये इन द मनी ऑप्शन है तो उस पर आपको जो है तो 50% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और उस पर डिप्स पे बाय करना है। हर एक 50 पॉइंट या 100 पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हो स्टॉप लॉस जो है तो 50% का, टारगेट जो है तो लगभग 2x का रख सकते हो, तो उस ऑप्शन में आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं अगर ये रिकवरी रैली कंटिन्यू रही तो। मंडे का दिन बहुत ही ये रहेगा क्रूशल रहेगा, अगर निफ्टी जो है तो मंडे के दिन नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो आपको फिर से जो है तो ये जो रिकवरी रैली ये फिजल आउट होते दिखेंगे और नीचे जो है तो 15,700 और उसके नीचे के भी लेवल आपको जो है तो अगले सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो मंडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ मार्केट टिकता है तो 16,700-800 के लेवल तक भी जा सकता है मार्केट। अगर मंडे के दिन नेगेटिव क्लोजिंग आती है तो आपको एक शार्प सेल ऑफ जो है तो बियर्स जो है तो फिर से एक फ्रेश अच्छी खासी बेयरिश पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे और फिर से 15,700 से लेकर 15,500 के लेवल जो है तो एक ही हफ्ते में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल है मंडे का दिन, अगर वो मेक करता है तो रिकवरी रैली चालू रहेगी वो भी स्लोली और स्टेडीली 16,700-800 की तरफ, अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा जो लेकर जाएगा निफ्टी को 15,700-15,500 के लेवल की तरफ। अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको फिर इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस करना है, जो पुट ऑप्शन रहेगा मेरे चॉइस का वो रहेगा 16,300 का पुट ऑप्शन जो इन द मनी है, उसमें आपको फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकते हैं और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको एक अच्छे खासे गेंस देखने को मिलेंगे और उसमें टाइम वैल्यू भी ज़्यादा नहीं रहेगी और डीके भी ज़्यादा नहीं रहेगा और आपको जो है तो डेल्टा का पूरा एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो लगभग एक डेल्टा के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है उसमें। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे प्रीमियम कॉल चाहिए जिसमें मैं लाइव मार्केट में कॉल देता हूँ विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.